अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पहले उर्दू के सबक में ये डिस्कस किया था कि उर्दू के जो बुनियादी चार अज्जा है उनको हमने कैसे लिखना है, कैसे अदा करना है, तो आज क्या हमारा जो लेसन है वो जी सबक नंबर टू है, जिसमें हम हरूफ तहजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि वैसे आपको पहले लेसन में भी बता दिया गया था, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं लिया, वो पहला लेक्चर सुन लें, उसके बाद ये दूसरे लेक्चर की तरफ मूव करें। तो पहले हम आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जी, जो आपका हरूफ तहजी का पहला लफ्ज़ है, पहला हरफ है, वो क्या है जी? अलीफ। और अलीफ को हमेशा कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है जी? लाइन के बिल्कुल दरमियान से। कहाँ से शुरू करना है? लाइन के बिल्कुल दो लाइन के दरमियान से। दूसरा आपके पास हरफ है बे। अलीफ के बाद कौन सा हरफ है आपके पास? बे। बे को आपको पहले भी बताया गया था कि बे को कैसे लिखना है। बे को कुछ इस तरह से लिखना है कि जो इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हो वो आपका लाइन से टच ना करे, ठीक है? तो ये आपके पास रॉन्ग वर्ड है। इसमें मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, देखिएगा, ये जो इसके एंड है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, इसको कभी भी लटा के नहीं लिखना। एक और मिसाल देखिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है? तो ये आपके पास गलत है। अब इसके बाद तीसरा आपके पास जो हर्फ आता है वो क्या है जी? जीम। जीम को कैसे लिखते हैं? शेप ऑफ मून और न्यूमेरिक वैल्यू का नंबर 7, ठीक है? जीम को आपने कैसे लिखना है? अलिफ बे, उसके बाद जीम को आपने ऐसे कुछ लिखना है जी, शेप ऑफ मून, जो कि पहले लेसन में भी आपको बता दिया गया था। उसके बाद काउंटिंग का न्यूमेरिक वैल्यू का 7 आप लिखेंगे तो आपका जीम कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर एक्सरसाइज की कर लेते हैं अभी भी। जीम शेप ऑफ मून के बाद नंबर 7 जी। इसके बाद आ जाता है आपके पास दाल। दाल को आपने कैसे लिखना है जी, देखिएगा, दाल एक कर्व लाइन स्ट्रेट, देन यहां से आपने क्या करना है? झटकना है जी। देख लीजिए क्या करना है, झटकना है जी। दाल को भी यहां पर हम लिख देते हैं जी। यहां तक समझ आ गई सबको? आगे चलते हैं जी। इसके बाद आपके पास वर्ड आ जाता है रेखा जी। पहले हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, आगे कोई मिस्टेक कोई शक शुभा ना हो जी। रे को कैसे लिखना है? स्ट्रेट लाइन देन झटकना है, स्ट्रेट लाइन झटकना है। ये किस वर्ड के लिए हम करें? रे को लिखने के लिए, ये रे को लिखने का तरीका है जी। स्ट्रेट लाइन झटकना है, स्ट्रेट लाइन झटकना है जी, स्ट्रेट लाइन झटकना है। अब इन दो अल्फाज से एक मुंतखब बात है, वो क्या है जी? हमेशा याद रखना है कि उर्दू की वर्डिंग में, हरूफे तहजी में, पांच ऐसे अल्फाज हैं जिनका साइज हमेशा छोटा लिखे जी। कौन से अल्फाज हैं? दाल, वाव, रे, हे और हमजा। जी समझ आ गई आपके पास? ये पांच ऐसे वर्ड हैं, इनको याद करने का तरीका क्या होगा आपके पास? आपने इसे क्या पढ़ना है? दोहरा, ठीक है? दोहरा और हमजा, इन पांचों अल्फाज के जो आपके पास साइज होगा वो हमेशा छोटा लिखा जाएगा उर्दू की राइटिंग में। तो अब इसमें बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं जी, ये देखिएगा, दाल को बड़ा करके लिख देते हैं, कोई शेप नहीं है इसकी, ठीक है? तो कुछ इस तरह से बच्चे उनकी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये रॉन्ग वर्ड्स है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वर्ड सीन। तो सीन को मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिक वैल्यू का 3, ठीक है? 3 लिखने के बाद उसके बाद क्या करना है आपने?
यहां से वही शेप ऑफ मून, तो ये आपके पास क्या होगा सीन बन जाएगा। कैसे जी आपका, जैसे कि ये देखिएगा ये मेरी फिंगर्स है, ठीक है, तो देखिएगा टॉप पे, उसके बाद थोड़ी निचले सतह पे, उसके बाद बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो तीन लिखेंगे वो टॉप टू बॉटम होगा जी, समझ आ गई। अब यहां से क्या होगा शेप ऑफ मून, तो इसे भी लिख देते हैं हम यहां पर, या आपके पास क्या लिखा जाएगा सीन, उसके बाद आपके पास आ जाता है सॉल्व। सॉल्व के कैसे लिखेंगे, एक कर्व लाइन, देन यहां से आपने क्या लिखना है न्यूमेरिक वैल्यू का टू लिखना है जी, जी समझ आ गई यहां तक। अब देखिएगा जब हम इसे गोलाई में लिखेंगे तो यहां से क्या होगा आगे से शेप ऑफ मून, या आप इसको कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे एप्पल का बीज होता है तो उसकी भी शेप कुछ इसी तरह होती है, ठीक है। एप्पल के शेप के साथ स्ट्रेट लाइन एंड देन शेप ऑफ मून, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सवाल जी, रिपीट करते रहेगा मेरे साथ, ये क्या आपके पास एप्पल का बीज एंड देन एक स्ट्रेट लाइन जो कि यहां तक है, उसके बाद आपके पास शेप ऑफ मून, उसके बाद आ जाता है जी आपके पास तोए, ठीक है, जो कि तोता के वर्ड में तोए है, उसको आपने कैसे अदा करना है, कैसे लिखना है, उसका तरीका भी सीख लेते हैं जी। आपके पास लाइंस है यहां पर एक स्ट्रेट लाइन, जब आप लाइन के बिल्कुल करीब होंगे यहां से आपने एक कर्व लाइन खींचनी है, ठीक है, एंड देन जी समझ आ गई सबको, यहां से देखिएगा स्ट्रेट लाइन छोटा सा कर्व करना है कहां से, जब आप लाइन के बिल्कुल करीब है उसके बाद यहां इसकी गोलाई को कंप्लीट कर दें, तो ये आपके पास कोई कंप्लीट हो जाए, कैसे स्ट्रेट लाइन कर्व देन इसकी जो गोलाई है उसे कंप्लीट करना है, तो आपके पास तोए जो है वो लिख दी जाएगी, यहां भी लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन देन गोलाई कंप्लीट हो, ये आपके पास क्या है जी तोए लिखा गया। इन अल्फाज के बाद बचे आपके पास कुछ अल्फाज ऐसे हैं, अच्छा देखिएगा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे कि हरूफे तहजी हम कंप्लीट नहीं लिखेंगे, कंप्लीट आपके पास कितने हैं जी 38, समझ आ गई, तो हम इसको कंप्लीट नहीं लिखेंगे, जैसे कि ये एक बे लिखा गया, हमने बे लिखा है तो कंप्लीट हम क्यों नहीं लिखेंगे, इसमें आपका बे पे ते टे से ये सब के सब इसी में जो है, अगर आप इसका लिखना आ गया तो वो भी आप इसी तरह लिख सकते हैं जी, समझ आ गई। अगर जीम है तो जीम से हे खे, ठीक है, चे, तो ये आप यहीं से लिख सकते हैं, सीन शीन सौर दौर तोए जोए, तो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो हम हरूफे तहजी के नहीं लिखेंगे जी। यहां से आगे क्या है आपके पास एक वर्ड है फे, तो फे को कैसे लिखना है, फे को लिखने का तरीका ये है कुछ बचे कि न्यूमेरिक वैल्यू का एक जो वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू वो 9 आपको पता होगा सबको जी, कुछ इस तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू का 9 यहां पर आपने छोटा सा गैप देना एंड देन वही बे लिख देना, तो ये देखिएगा ये आपने फे लिख दिया, दोबारा लिख देते हैं जी कैसे न्यूमेरिक वैल्यू का 9 उसके बाद छोटा सा गैप देने के बाद आगे बे लिख देना, तो आपका ये फे का वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से यहां पर हम लिख देते हैं इसे न्यूमेरिक वैल्यू का 9 छोटा सा गैप एंड देन ये आपका फे वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं जी, फे के बाद कॉफ का वर्ड आता है, कॉफ को कैसे लिखेंगे एज इट इज, जैसे कि हमने फे लिखा था
जी फे का तरीका हमने सीख लिया। अब आगे चलते हैं काफ, काफ को कैसे लिखना है, दो लाइन्स है हमारे पास एज इट इज, इसी तरह से जैसे न्यूमेरिक वैल्यू का नाइन है, नाइन लिखने के बाद एक स्ट्रेट लाइन से देन आपने काफ लाइन की तरफ मूव करना है, या आपके पास काफ लिखा गया। कैसे लिखना है जी, नाइन न्यूमेरिक वैल्यू का, यहां से आपने शेप ऑफ मून जी देखिएगा, नाइन न्यूमेरिक वैल्यू इसका शेप ऑफ मून, तो ये आपके पास क्या होगा, काफ है आपके पास हरूफ तो हजी में से। अब यहां पर लिख देते हैं इसे हम न्यूमेरिक वैल्यू इसका नाइन देन शेप ऑफ मून, तो ये क्या होगा आपके पास काफ जी। अब आगे चलते हैं जी, आपके पास एक काफ है, काफ को आपने कैसे प्रेजेंट करना है, लिखना कैसे है जी, देखिएगा गौर से सब बच्चे, स्ट्रेट लाइन देन जस्ट लाइक बे के वर्ड के, ठीक है, बस ये डॉट नहीं आएगा, सेम बे की तरफ और एक तिरछी लाइन आपने खींचनी है, कौन सी, स्ट्रेट लाइन के अपवर्ड, तो ये आपके पास क्या होगा काफ लिखा जाएगा। अब इसमें बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं जी, देखिएगा सपोज एट की लाइन है तो बच्चे लाइन के ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद ये यहां पर गैप नहीं देते, तो गैप वहां देख लीजिएगा क्या करना आपने, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बे एंड देन एक स्ट्रेट कर्व लाइन आपने क्या करनी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर खींच लेंगे, तो आपके पास काफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है जी लाम, तो लाम को कैसे लिखते हैं उसे भी देख लेते हैं जी, स्ट्रेट लाइन एंड देन शेप ऑफ मून, अगेन स्ट्रेट लाइन देन शेप ऑफ मून, तो ये आपके पास लाम कंप्लीट हो चुका, स्ट्रेट लाइन शेप ऑफ मून। अब देखिए यहां तक कंप्लीट हो चुका है, अब यहां से आगे हम चलते हैं जी, इसके बाद लाम के बाद है आपके पास मीन, तो मीन को कैसे लिखना है, मीन को लिखना है एक छोटी सी कर्व डॉट के साथ, जैसे डॉट लगाते हैं ना, जैसे सबक में लिखा गया है, नंबर में लिखा फे काफ पे, ठीक है, तो इसी तरह लिखना डॉट ही है लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़े साइज में और कर्व हो, देखिएगा एक ये है शेप, एक ये है, ठीक है, एक ये है जो के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मैं ये बता रहा हूं आपको, एक आपने लगानी है कर्व, कर्व लगाने के बाद देखिए पीछे देन आगे से यहां से मूव एंड स्ट्रेट लाइन, देखिएगा दोबारा से एक डॉट एंड देन पीछे लेके गई अपनी पेंसिल या पेन को एंड देन यहां से कर्व और ये मीम आपके पास जी, समझ आ गई सबको जी, हम लिख देते हैं यहां पर, ये आपके पास क्या आ गया जी, लाम के बाद मीन एंड देन आगे हम मूव करते हैं जी। इसके बाद आपके पास एक वर्ड आता है नून का, नून को कैसे लिखना है, स्ट्रेट लाइन शेप ऑफ मून, स्ट्रेट लाइन शेप ऑफ मून, तो देखिएगा यहां पर स्ट्रेट लाइन शेप ऑफ मून, ये गैप आपने कंप्लीट करना, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये गैप रख रहा हूं, सिवाय काफ के और फे के, इनमें आपने गैप लास्ट में रखना, ठीक है, बाकी के वर्ड आपने कंप्लीट कर लेने हैं, कैसे ये देखिएगा कुछ इस तरह से, समझ आ गई। और ये नून का वर्ड सीन जीम स्वाद कॉफ लाम, ये वर्ड है जो लाइन के बिल्कुल नीचे आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें शेप ऑफ मून इस्तेमाल की जा रही है, और शेप ऑफ मून मैंने आपको पहले सबक में बता दिया था कि जो शेप ऑफ मून है हमेशा लाइन के नीचे लिखी जाएगी,
अदा की जाएगी जी। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद आपके पास वर्ड आता है वाओ का, तो वाओ जो के वाओ को कैसे लिखेंगे आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, हिंट भी था कि कौन से वर्ड्स छोटे साइज में लिखे जाएंगे जिनमें एक वाओ भी है, तो वाओ को कैसे लिखेंगे न्यूमेरिक वैल्यूज का 9, देन यहां से झटकना है, जैसे रे और दाल को झटकते थे हम, इसी तरह वाओ को भी झटकना है, कैसे न्यूमेरिक वैल्यूज का 9 एंड देन झटकना जी। नून के बाद जी समझ आ गई यहां पर जी, आगे चलते हैं वाओ के बाद आपके पास एक वर्ड आता है हा, तो हा को कैसे लिखना है जस्ट लाइक जैसे कि दाल का वर्ड था दाल, यहां से आपने स्ट्रेट लाइन खींच देनी है या आपने सिंपली इसे क्या करना है गुलाई एंड देन स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर हम इसे लिख देते हैं वाओ के बाद क्या नून वाओ हा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है एक छोटी है, तो छोटी को हम कैसे लिखेंगे एक कर्व लाइन यहां से बेंड करवाना है एंड देन शेप ऑफ मून, कर्व लाइन बेंड शेप ऑफ मून, कर्व लाइन बेंड शेप ऑफ मून, कर्व लाइन बेंड शेप ऑफ मून जी। यहां तक समझ आ गई लिख लेते हैं जी, कर्व लाइन बेंड शेप ऑफ मून, तो ये आपके पास छोटी आ गई। इसके बाद बड़ी को कैसे लिखते हैं, दो लाइन्स आपके पास छोटी सी कर्व लाइन एंड देन यहां से बोल्ड करके स्ट्रेट लाइन, देखिएगा यहां पर नैरो लाइन एंड देन कर्व करके स्ट्रेट लाइन एंड देन उसे क्या करेंगे आप चौड़ाई में लिखेंगे। ये आपके पास क्या हो गया नून वाओ छोटी है बड़ी। अब आपके पास एक वर्ड है हमजा, तो हमजा को कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं, हमजा जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज का 4 है जी, देखिएगा यहां पर सब बच्चे न्यूमेरिक वैल्यूज का 4, तो इसको आपने कैसे लिखना है तिरछा करके, देखिएगा न्यूमेरिक वैल्यूज के 4 को तिरछा स्ट्रेट लाइन एंड देन यहां थोड़ा सा बेंड कर देना, तो आपके पास क्या होगा हमजा लिख दी जाएगी, कैसे लिखेंगे हमजा को न्यूमेरिक वैल्यूज का 4 जी। समझ आ गई यहां तक सबको। अब इसी से रिलेटेड आइन का वर्ड है, तो आइन को आप कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले शेप ऑफ मून जो कि लाइन के नीचे लिखी जाएगी, ठीक है, और यहां पर आपने ऐड करनी है एक हर्फ को ऐड करना, वो क्या है जी हमजा, तो हमजा को क्या करेंगे ठीक है, तो ये आपके पास आइन बन जाएगा। इसको लिख लेते हैं क्या लिख रहे हैं जी, एक न्यूमेरिक वैल्यू इसका 4, उसके बाद शेप ऑफ मून, अब यहां से हमला को उस बेंड कर देना छोटा सा बेंड कर देना, ये आपके पास आइन लिखा जाएगा, आइन भी लिखना सीख लिया हमने। उसके बाद एक वर्ड है वो है जी आपके पास हे को कैसे लिखते हैं, ठीक है, हे को लिखने का तरीका आपको मैंने चौया लिखने का तरीका बताया था, कैसे लिखने हैं जैसे तोते में जो तोया दिया उसको लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं, आपको मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन एंड देन उसकी गुलाई कंप्लीट कर दे, देखिएगा समझिए यहां पर अगर हम इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो खत्म कर दें
समय लगी, और जो पार्ट बच जाए उसी का दूसरा पार्ट इसके साथ ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास है कंप्लीट हो जाएगी। इसे भी लिख देते हैं यहां पर जी। कैसे लिखने का तरीका था कि आपके पास ये स्पोजर चौहे है, स्ट्रेट लाइन खत्म कर दें, ठीक है, एंड देन जो पार्ट बचे उसी को रिलेट करके फिर कंप्लीट कर दें। तो बच्चे इसमें मिस्टेक्स क्या करते हैं जी, एक तो इसे कर्व नहीं करते जस्ट लाइक, ठीक है, और इसमें कुछ हाकी भी यानी कि जो इसके ब्लॉक्स हैं उसमें भी डिफरेंस नहीं करते, उसको उसका साइज बढ़ा करके लिख देते हैं। तो ये क्या है इनमें मिस्टेक्स है। जी यहां तक आई थिंक सो कंप्लीट है, ये आपके कंप्लीट हरूफ तहजी है जिनको हम लिखेंगे तो हमारी जो राइटिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी। ये वो वर्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स भी मिस्टेक्स कर देते हैं जी। ये थे आज के हमारे कंप्लीट हरूफ तहजी जो कि आज के दूसरे यानी कि लेक्चर में हमने आज डिस्कस करने थे। तो बच्चे इनकी प्रैक्टिस करिए, आपने प्रैक्टिस का तरीका क्या है, अलिफ को आपने सेपरेट यहाँ पर लिख लेना एक लाइन में, उसके बाद यहाँ पर बे लिख लेना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सपोज दैट में हमारे पास एक पेज है, आपने यहाँ अलिफ लिख लेना है, बे लिखना है, उसके बाद जीन, ठीक है, आगे इनकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है एक लाइन में मिनिमम। अगर ये 10 शब्द लिख लेते तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये हो गया प्रैक्टिस का काम। तो देखिएगा जी ये आज आपका बस टॉपिक था, और कितनी प्यारी बात है, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं।